आपके चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। तो चलो आज बात करते हैं कुछ ऐसी एलो वेरा जेल के 5 फायदे जो आपके डेली रूटीन में आपको मदद करेंगे और अच्छे कौन कौन से रोगों से उस 5 सबसे बड़े रोगों से बचाने में मदद करेंगे। तो बने रहे चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज चलोगे तो दिल में रखिए, ना तो दिमाग में रखिए। चलो तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज। तो आविर में उसे गुप्त कुमारी के रूप महाराजा माना गया है, स्थान दिया गया है। औषधि की दुनिया में उसे संजीवनी भी कहा जाता है। उसकी 200 जातियाँ होती हैं, परंतु खाली मानव शरीर के लिए उपयोगी मानी जाती है। नाम की जाति प्रथम स्थान मिलने वाला है एलो वेरा जेल का स्थान, जिसमें 18 धातु, 15 इम्यून सिस्टम और 12 विटामिन मौजूद होते हैं। इसकी तस्वीर गर्म होती है, वह खाने में बहुत पौष्टिक होता है, जिससे त्वचा पर लगाने भी उतना ही लाभ प्रवाह करता है। उसके काटेदार पत्तियों को छीलकर काटकर उस रस निकाला जाता है। 3 या 4 चम्मच रस सुबह खाली पेट लेने से दिन भर शक्ति प्रोवाइड करेगा और सुस्ती को ये फायदा है। तो भाई लोग, चलो दूसरा कौन सा इसका ऐसा फायदा है जो आपको डेली मिलते हैं। अवश्य अजीब सा पौधा लगता है, लेकिन उसके गुणों का कोई अंत नहीं। वह बावा से डायबिटीज, गर्भों को रोग को, पेट की खराबी, जोड़ों का दर्द, त्वचा की खूबसूरती, मुआ से रुकी त्वचा, दांत या धूप से उजली हुई त्वचा को, या दाग धब्बे, आंखों के काले घरों को, पिटी या वीडियो के लिए लाभदायक प्रभाव करता है। वही दूसरी तरफ उनकी कमी को दूर करता है तथा शरीर को क्षमता को प्रतिशक्ति को बढ़ाने का काम करता है आलो वेरा जेल। और तीसरा इसका क्या फ़ायदा है भाई लोग, चलो जानेंगे तीसरा फायदा क्या है भाई लोग। वड़ा पाव खाने से, हेल्दी फूड ना लेने से, या हेल्दी फूड ना लेने से पिज्ज़ा, बर्गर, क्या क्या आज भाई लोग आप खाने लगे हैं, पेप्सी, कोको कोला, उसको तो नहीं होता, लेकिन जो हम हेल्दी नहीं खा रहे और जो जहर नाशे की खा रहे हैं, उसकी वजह से कब का भी संतुलन या शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। तो कब्ज की समस्या से मिलेगा छुटकारा। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, तो पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप खाली पेट एलो वेरा जूस का सेवन करिए सकते हैं। पानी के साथ इसे जूस के सेवन करने से पेट साफ होता है। उसके साथ ही कब्ज की समस्या कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और कितना भी बड़ा कब्ज हो, कितना ही कब्ज हो, आपको उसको छुटकारा पा सकते हैं। और चौथा इसका फायदा है मान लो, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे क्योंकि चौथा फायदा इसके हम बार बार ब्रश करते हैं, लेकिन दुर्गंध नहीं जाती, पीलापन नहीं जाता, दांत जो हिलने का प्रोसेस चालू है वो हिलता रहता है। 35 या 36 दिनों में हमारे दांत या दांत निकल जाते हैं, तो उसको कैसे छुटकारा पाए। दांतों से संबंधित नहीं होगी समस्या, दांतों की कोई समस्या नहीं होगी। एलो वेरा में मौजूद एंटी माइक्रो ऑयल प्रोवाइड की समस्या जो भी आपके दांतों की समस्या हो जाए वो उसे दूर करते हैं। जैसे हम 35 या 36 दिनों के हो जाते हैं, तब हमारे दांत हिलने लगते हैं, पास आता रहता है, हम कुछ भी खाने की वजह से हमारे दांतों की समस्या होती ही रहती है। तो दांतों से संबंधित नहीं होगी समस्या। एलो वेरा में मौजूद एंटी माइक्रो ऑयल प्रोविटी आपके दांतों प्राइविटी दांतों के साफ करते हैं। वो मुँह में अगर छाने होते हैं तो एलो वेरा का जूस उन्हें भी दांतों की कोई भी समस्या होगी तो एलो वेरा जूस आप पीएंगे तो कोई भी दांतों की उन्हीं की या दांत साफ रखने में मदद करेगा एक एलो वेरा जूस। तो पाँच लोग पाँचवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी देश में कि हम अच्छा दिख चाहिए, चमक नहीं मिल रही। हम सेलिब्रिटी की बात करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होके गए हैं, लेकिन उनका चेहरा चमक कैसे पाता है, कितना ग्रो दिखता है उनका चेहरा। घर बैठे आप एलो वेरा पी लीजिए और लगा लीजिए, मेरे कि मेरे जैसा तो नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी के जैसे आपका जो चेहरा है चमक उठेगा, खिल उठेगा। तो एलो वेरा का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है, क्योंकि किल मुआ से और किल से संबंधित बीमारियों को अक्सर पेट की बीमारियों से संबंधित रखती है। एलो वेरा का जूस एक साधन
चेहरे पर चमक लाती। तो आले लगा दोस्त पीड़ लीजिए, लगा लीजिए और गौरव तो बन ही पाएंगे, लेकिन ग्लो जो होता है चेहरे पे जो ग्लो आता है वो ग्लो आले लगा के ही मदद आएगा। तो भाई लोग सबसे बड़ी बात है दोस्त आपको ध्यान रखने की, वो पांच बातें कौन सी आपको ध्यान रखनी है कि आपको, तो वो फाइव मैं आपको बताऊँगा पढ़ के। चलो भाई इसका आले लगा का साइड इफेक्ट देख लीजिए आप, किस इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आले लगा का ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में पानी की हो सकती है कमी, क्योंकि भाई लोग आले लगा जो बार बार पानी पीने के बाद पेट को साफ रखने में मदद करता है, तो आपको बार बार प्यास लगेगी। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना कीजिए, दो चम्मच या तीन चम्मच यूज करिए। और पानी को ज़्यादा आपको दिन में पानी पीना है, पानी पीने के बाद एलोवेरा जेल जो आपको काम करने का स्टार्ट होगा। और दूसरा क्या है ध्यान रखना चाहिए आपको, एलोवेरा जेल के ज़्यादा इस्तेमाल के स्किन पर रेशनेस खुजली और रेडनेस हो सकती है, वो उसे तो एलोवेरा का स्किन के लिए फ़ायदेमंद है माना जाता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तीसरा जो पॉइंट आता है शरीर में कोई सकता है कमजोरी। तो भाई लोग आप बोलेंगे कमजोरी कैसे आएगा, अगर आप किसी बीमारी से राहत पाने के लिए एलोवेरा का सेवन कर रहे हैं तो वह ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन तो नहीं कर रहे हैं। उस जूस का लगातार सेवन पोटेशियम की मात्रा कर सकता है, जिस वजह से दिल की धड़कन नियमित हो सकती है और शरीर में कमजोरी आ सकती है। तो चौथा इसका है कौन सा खाया, एलोवेरा ऑयल को सकता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये जितना फास्ट हमारा ब्लड प्रेशर है वो जो है या घूमने लगता है, जितना ब्लड प्रेशर को ये कमज़ोर करने में ज़्यादा सेवन करने से कमज़ोर कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर वाले इसको ना यूज़ करें तो ये अच्छा होगा। और सबसे लास्ट है इसका जो आप जो आपको ख्याल रखना चला, एलोवेरा का लगातार सेवन ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है, बेशक कहीं बीपी से परेशान लोगों के लिए वह परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि बीपी के लोग को धड़कन है जो उसकी तेज करने में मदद करेगा। तो भाई लोग ये हो गए उसके फ़ायदे, ये हो गए किस किस ख्याल को इसको ख्याल रखना चाहिए। एलोवेरा हमारे चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन मैं पांच फ़ायदे जो आपके लिए डेली रूटीन में जो आपके जो फ़ायदे होंगे वो मैं बताए, इसके साइड इफेक्ट भी बताए। तो जाते समय लाइक को चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल।